हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का वीडियो है हमारा इस सैमसंग फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के ऊपर, जैसे कि देख सकते हैं। और ये मॉडल नंबर है सैमसंग का 5.5 केजी का WB8550NHHW। तो आज हम सैमसंग के फ्रंट लोड वॉशिंग मशीन के एरर कोड्स के बारे में बताएंगे। और जनरली हर फ्रंट लोड में यही एरर कोड आता है, और इस एरर कोड को किस तरह से रेक्टिफाई करना है तो स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे। तो चलिए पहला एरर कोड की तरफ। ये 4E एरर कोड आ रहा है, इसका मतलब होता है आपकी मशीन में वाटर नहीं आ रहा है। और इसके कई कारण होते हैं, कभी कभी वाटर आने से भी ये मशीन में वाटर फिल हो रहा है तभी भी एरर कोड आता है, या इसका एक टाइमिंग होता है, इसके अंदर आपका वाटर फिल होना चाहिए मशीन में, अगर नहीं होता है तो ये कोड आता है। और कभी कभी क्या होता है, मशीन में स्लो पानी आने से भी एक एरर कोड आता है, एक टाइमिंग होता है, उसके अंदर आपका मशीन में पानी भर जाना चाहिए। तो इसके कई कारण होते हैं आने के, तो मैं स्टेप बाई स्टेप आपको बताऊँगा इसे कैसे वो करना है। तो चलिए पहला मैं बताऊँगा किस तरह से इसे रेक्टिफाई करना है। अगर आपकी मशीन में पानी स्लो आ रहा है तो आपको किस तरह से इसे रेक्टिफाई करना है। फर्स्ट आपको ये आपका डिटर्जेंट बॉक्स निकालना है, इसे ऐसे करना है और ऊपर एक इसे प्रेस करना है और इसे खींचना है, ये आ गया। और इसके नीचे एक छोटे छोटे छेद होते हैं जहाँ से पानी आता है, वो ब्लॉक होने के कारण स्केलिंग से तो पानी स्लो आता है। आपको इसे क्लीन करना है, ये बॉक्स निकालना है पूरा, और आपका पानी स्पीड आना शुरू हो जाएगा। आपको केमिकल्स या एसिड से भी क्लीन कर सकते हैं, ये पूरे छेद होते हैं अंदर छोटे छोटे, मैं आपको दिखा नहीं पा रहा हूँ, आप देख सकते हैं जहाँ से पानी आता है ये ब्लॉक हो जाते हैं स्केलिंग से, इसे आपको क्लीन करना है। इसका क्लीनिंग का मैं मेथड बताऊँगा फर्स्ट। तो ये डिटर्जेंट बॉक्स कैसे क्लीन करना है, आपको ये दोनों पाइप निकालना है यहाँ से यहाँ, और इसमें आपको पाइप में एसिड डालना है आप इंजेक्शन की मदद से। अगर ये पूरा आप सब निकालोगे तो काफ़ी टाइम लगेगा, बहुत वो होता है। तो आपको ये दोनों पाइप निकालना है और ऊपर उठा के जो एसिड होता है जो अपन लोग नॉर्मल यूज़ करते हैं, ये आपको इंजेक्शन की मदद से दोनों पाइपों में डालना है, डालते रहना है कम से कम एक आधा लीटर के ऊपर दोनों पाइप में। तो आपका ये जो छेद होते हैं इसमें छोटे खुल जाएंगे, तो आपका पानी स्पीड आना शुरू हो जाएगा और 4E एरर कोड चले जाएगा। और सेकंड आप क्या करना है, कभी कभी ये वाल्व भी जाम हो जाते हैं कि वाल्व्स में भी स्केलिंग आ जाता है, इसे भी आप क्लीन कर सकते हैं। तो मैं बताऊंगा ये वाल्व कैसे क्लीन करना है। इसमें स्क्रूस नहीं होते हैं तो मुश्किल हो जाता है क्लीनिंग करने का, इसका क्लीनिंग करने का तरीका मैं बताऊँगा। बॉक्स का तो बता दिया आपको मैंने कैसे क्लीन करना है, ये पाइप निकाल के, ये वाल्व कैसे क्लीन करना है वो आपको बताऊँगा। तो आपको ये वाल्व क्लीन करने के लिए आपका जो इनलेट पाइप होता है जिस पर लगा होता है, इसमें आपको क्या करना है, इसके अंदर एसिड डालना है, पूरा पाइप भरना है इसे, और इसे नल पे लगाना है और मशीन चालू करना है। जिस तरह से मशीन चालू होगी तो जब वाटर लेना शुरू करेगा तो वाटर या पूरा आपका एसिड भरा रहेगा, तो मशीन जब वाटर लेगी तो ये प्रेशर से आपको जो पाइप में जितना भी एसिड भरा होगा इसमें से वाल से होते हुए इसके अंदर जो भी स्केलिंग है निकल जाएगी। आपको ये 3-4 बार रिपीट करना है, फिर निकालना है इसमें से जो बचा हुआ पानी पहले निकाल देना, फिर एसिड भरना है और लगा देना है नल पे और मशीन चालू करना है। 4 से 5 बार कर सकते हैं, फिर उसके बाद ये पाइप निकाल के आप देख सकते हैं कि किस तरह से प्रेशर आ रहा है। और आखिर में जो पीछे जाली होती है वो तो सबको मालूम है, इसे क्लीन करना पड़ता है। तो ये प्रॉब्लम 4E का मैंने बताया है किस तरह से ये क्लीन करना है पूरा सेक्शन। तो अब अगला बताते हैं 4E के बारे में। अगला कारण होता है 4E आने का, आप देख सकते हैं ये प्रेशर स्विच है जो पानी सेंस करता है, आपकी मशीन में पानी भर रहा है तभी भी 4E एरर कोड आ रहा है, तो इसका मतलब ऊपर तक सेंस नहीं हो रहा है जो एयर का प्रेशर बनता है। तो आपको क्या करना है, प्रेशर स्विच निकालना है, और कभी कभी क्या ब्लॉकेज हो जाती है ड्रम में नीचे स्केलिंग से, तो आपको ड्रम में थोड़ा पानी भरना है और यहाँ से मुंह से हवा डालना है, और आप इंजेक्शन की मदद से यहाँ से एसिड भी डाल सकते हैं
सो दैट जो इसका नीचे का एयर का वो बेस रहेगा वो क्लीन हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसे क्लीन कर सकते हैं फूंक मार के, और एसिड भी डाल सकते हैं इंजेक्शन की मदद से, तो नीचे जो भी कचरा जमा रहेगा वो क्लियर हो जाएगा, फिर वहाँ ऊपर तक आपका एयर प्रेशर आ जाएगा। तो ठीक है, और एक फोरी आने का कारण होता है आपका जो प्रेशर स्विच भी फॉल्ट होने से भी, अगर आपका सब सही है ये हवा आ रहा है, अगर आप मैनुअली भी इसमें पाइप लगा के फूंक मार के देख सकते हैं और ये तभी भी फोरी आ रहा है तो आपको प्रेशर स्विच को चेंज करना पड़ेगा। तो ये थे फोरी के रेक्टिफाई करने के तरीके, और अब चलते हैं अगले एरर कोड की तरफ। तो अगला कोड है डी। एरर कोड का मतलब होता है डोर एरर। ये मैंने खोल के रखा है आप लोगों के लिए बताने के लिए, और आपको चेक करना पड़ेगा इसका जो डोर लॉक होता है वो सही है या नहीं है। आप देख सकते हैं डोर लॉक इधर है, और आप मैनुअली भी इसे टेस्ट कर सकते हैं बाहर निकाल के सीरीज में लगा के आपको टेस्ट करना है। और दूसरा कारण होता है इसकी वायरिंग में कहीं फॉल्ट होने से चूहे कभी काट देते हैं नीचे तरफ, तो उससे भी होता है। आपको वायरिंग पूरी तरह से चेक करना है कंटिन्यूटी नीचे से ऊपर तक, जो तीन वायर जाते हैं डोर स्विच से ऊपर तक। ये मशीन सही है इसलिए चल रहा है। तो आपने देखा डी का एरर का कोड का मेन कारण होता है आपका डोर स्विच फॉल्ट होना, या वायरिंग कहीं से डिस्कनेक्ट हो जाना, या नहीं तो आपका जो डोर का लैच होता है छोटा वो टूटने से भी ऐसा होता है। आपको चेक करना पड़ता है मशीन चालू करने का ये बंद हो रहा है या नहीं। अगर ये खुलता है तो समझो आपका डोर लॉक नहीं हो रहा है। तो चलिए अब नेक्स्ट एरर कोड की तरफ। ये आई का मतलब होता है आपका प्रेशर स्विच में कुछ गड़बड़ी है, या प्रेशर स्विच में जो तीन वायर जाते हैं वो डिस्कनेक्ट हो गए होंगे, या नहीं तो आपका प्रेशर स्विच ख़राब हो गया है। तो आई का मतलब होता है प्रेशर से रिलेटेड एक कोड होता है। प्रेशर स्विच आपका या तो ख़राब है या तो आपकी वायरिंग कहीं गड़बड़ है इधर से डिस्कनेक्ट है, उसे चेक करिए कंटिन्यूटी पीसीबी से लेकर प्रेशर स्विच तक तीन वायरों का कंटिन्यू चेक करिए, तभी भी सही है। वहाँ वोल्टेज चेक करिए, यहाँ पे -5 वोल्ट में आता है, फिर भी वोल्टेज भी सही आ रहा है तो आपका प्रेशर स्विच में कुछ गड़बड़ है, ख़राब है आपका प्रेशर स्विच, उसे रिप्लेस करिए। तो आई कोड का मीनिंग है प्रेशर स्विच एरर, मतलब प्रेशर में कुछ एरर है उसका, तो उसे कमांड नहीं मिल रहा है उसे मदरबोर्ड पे। तो चलिए नेक्स्ट एरर कोड की तरफ। नेक्स्ट एरर कोड है ओई। ओई का मतलब है ओवर, आपका जो पानी एकदम फ्लड हो गया इनसाइड, ज़्यादा पानी भर गया, तो ये ओई एरर कोड आता है। ये जनरली नहीं आता है पर मैंने आपको बताया है ओई का। ओई का मतलब होता है ओवरलोड, आपका जो वाटर है अंदर ज़्यादा भर गया है मशीन में, और ये कोड आते ही आपका ड्रेन पंप शुरू होता है पानी बाहर निकालने का। तो चलते हैं अगली एरर कोड की तरफ। 5VV एरर कोड, इसका मतलब होता है कि आपका ड्रेन एरर है, आपका मशीन में से पानी बाहर नहीं जा रहा है। एक टाइम के बाद पंप काफ़ी कोशिश करता है पानी बाहर फेंकने के लिए पर नहीं होने से ये एरर कोड आता है। इसका मेन कारण होता है आपका कहीं ब्लॉकेज है पाइप में, ड्रेन पाइप में, या तो आपका ड्रेन पंप नहीं चल रहा है। और चलिए इसको बताते हैं कैसे रेक्टिफाई करना है। कभी कभी ये पाइप होता है ना जो ड्रेन होस पाइप होता है, ये ब्लॉक होने से भी आपका पानी बाहर नहीं आता है मशीन का। और कभी कभी लोग ये लंबा पाइप इसमें एक्सटेंशन भी करते हैं दूर तक ले जाने के लिए, वो भी कभी कभी बीच में बंद हो जाता है स्केलिंग से, वो काई जम जाती है पाइप में तो पानी बाहर नहीं जा पाता है। तो आप ये पाइप पूरा चेक करिए अच्छी तरह से, इसमें हिला के, और जो एक्सटेंशन भी लगाया होगा उसे भी चेक करिए, और फ्रीली पानी बाहर जाना चाहिए अगर आपका ड्रेन पंप चल रहा हो तो। दूसरा कारण होता है ड्रेन पंप नहीं चालू होने से, या ड्रेन पंप आपका ख़राब हो चुका है या वहाँ तक सप्लाई नहीं जा रही है, उसे चेक करिए। और तीसरा कारण होता है 5V आने का, मशीन के सामने की तरफ एक डस्ट कलेक्टर होता है उसे हम निकालेंगे। कभी कभी वहाँ पर भी जाम होने से भी आपका पानी नहीं फेंकता है बाहर, इसे निकालना है बाहर खींचें। इस तरह कचरा रहता है इसमें, इसमें देख सकते हैं मशीन में आप, तो ये कचरा भी साफ़ करना है आपको। और
आपका जो अंदर मोटर का इम्फलर होता है वो भी फ्री रहना चाहिए घूमते टाइम, इसको भी आप क्लीन कर सकते हैं एसिड से। तो आपने देखा हुआ फाई करर का कोड कैसे रेक्टिफाई करना है, तो फिर से बताता हूँ आपको। आपको डस्ट कलर में, डस्ट कलेक्टर में ज़्यादा स्केलिंग होने से मोटर जाम होता है, वहाँ आपका जो इन्फिलर होता है वो घूम नहीं पाता है। देख सकते हैं इस मशीन में किस तरह से जाम है पूरा, आपको इसे सही तरह से साफ़ करना है। और मोटर का इन्फिलर भी चेक करिए, कहीं जाम तो नहीं है स्केलिंग से। आप इसे क्लीन करने का तरीका आसान है, सामने जो काला ढक्कन निकाला था हमने उसे फिट कर देना है वापस, और मशीन में एक लीटर के करीब एसिड डालना है और उसे आधा घंटा छोड़ देना है, तो स्केलिंग जो भी रहेगा ये सब गल जाएगा और आपका मोटर फ्री फिरने लगेगा और पानी बाहर चला जाएगा, तो ये भी कारण होता है। तो चलते हैं अगले एरर कोड की तरफ। अच्छा, ये एरर कोड है TE। TE का मतलब होता है थर्मास्टेट एरर, जो मशीन में पानी हीट करता है ना, वो हीटर उसके बगल में होता है थर्मास्टेट जो सेंस करता है टेम्परेचर। तो ये फॉल्ट होने से ये एरर कोड आता है, और ये एरर कोड आने के कारण उसका आपका जो ख़राब हो चुका है या आपकी मदरबोर्ड से वहाँ तक जो वायरिंग है वो कहीं कट गई है, चेक करिए वायरिंग को अच्छी तरह से। और अगर आपके मशीन में ये कोड आता है तो आपको कैसा मालूम पड़ना चाहिए कि ये आपका जो थर्मास्टेट का जो सेंसर वही खराब हुआ है या नहीं है, तो मैं बताता हूँ, मशीन में पलटाऊँगा और बताऊँगा ये कहाँ पे होता है और इसे कैसे चेक करना है आपको, इसका जो थर्मास्टेट सेंसर होता है। तो मैं मशीन पलटाऊँगा, तो ये थर्मास्टेट यहाँ पे है सेंसर, इसका मैंने निकाल दिया था आपको एरर कोड बताने के लिए। और आपको इसका टेस्ट करना है मीटर से, अगर कुछ ओम्स बताता है तो ये सही है, तो मैं ओम्स भी बताऊंगा कितना आ रहा है। तो टाइमिंग अगर आपको चेक करना है कि ये थर्मास्टेट गया हुआ है, तो आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, 100K का एक रजिस्टर लगाना पड़ेगा, इससे आप चेक कर सकते हैं, मैं बताऊँगा। वो ये मैंने इसमें 100K का रजिस्टर लगाया है, आप ऐसे लगा सकते हैं टाइमिंग चेक करने के लिए, या आपको परमानेंटली नहीं लगाना है, आपको ये कंपल्सरी रिप्लेस करना पड़ेगा अगर ये ख़राब है। ये लगाने से, ये सिर्फ टेस्टिंग के लिए आपको लगाना है कि आपका ये सेंसर गया है नहीं गया, टेस्ट के बाद आप निकाल सकते हैं। परमानेंट लगाने से क्या होगा, ये आपका कट ऑफ नहीं होगा टेम्परेचर और बॉयल हो जाएगा पानी अंदर। ओनली टेस्टिंग के लिए 100K का रजिस्टर आपको लगाना है, ये दोनों छेद में इसका केबल है, और इसमें आपको ओम्स चेक करना है, अगर सही है तो ओम्स बताएगा। मैंने चेक किया था, इसमें 3 ओम्स के करीब आ रहा है, मतलब ये सही है, मैंने ये निकाला था आप लोगों को बताने के लिए एरर कोड के लिए। तो चलिए आगे चलते हैं, अगला कोड है हमारा 3E। 3E का मतलब होता है कि जो नीचे मोटर होता है ना, उसमें से एक टैकोमीटर होता है जो स्पीड बताता है मदरबोर्ड पे, तो वहाँ से इसको कमांड नहीं मिल रहा है, उसका मतलब आपका टैकोमीटर ख़राब हो चुका है, या तो मोटर ख़राब है, आपको मोटर रिप्लेस करना पड़ेगा। टैकोमीटर तो मोटर पे फिट हो गया आता है, मैं आपको टैकोमीटर बताता हूँ किस तरह होता है वो मोटर में। वो फेल होने से इस तरह होता है, या तो मोटर फेल होने से भी ये एरर कोड आता है। ये मेरे पास मोटर पड़ा हुआ है, ये होता है टैकोमीटर। अगर यहाँ से सिग्नल नहीं मिलता, अगर मोटर आपका चल रहा है और 3E एरर कोड आ रहा है, तो इसका मतलब होता है कि आपका सिग्नल नहीं मिल रहा है मदरबोर्ड पे, तो आपको ये मोटर चेंज करना पड़ेगा। ये मोटर का जो टैकोमीटर सेपरेट नहीं मिलता है, तो 3E का कोड का मतलब समझ गए होंगे, मोटर एरर है टैकोमीटर का, या मोटर एरर होता है। तो अब चलते हैं अगले एरर कोड की तरफ। अब हम चाइल्ड लॉक ऑप्शन देखेंगे, ये चाइल्ड लॉक होने से क्या प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम कुछ आती नहीं, बस बटन्स पर काम नहीं करते हैं, मैं बताता हूँ। तो कभी क्या, ये चाइल्ड लॉक हो जाता है, ये दोनों बटन एक ही साथ दबाने से चाइल्ड लॉक होता है, देख सकते हैं इंडिकेटर, पर कभी कभी भूल जाते हैं कि उन्होंने चाइल्ड लॉक किया है, फिर भी आपका मशीन कुछ काम नहीं करेगा। तो कस्टमर लोग बोलता है कि कोई बटन्स काम नहीं कर रहा है, खाली ये मेन पावर का बटन ही काम करेगा।
नो टाइम पे आपको देखना है कि ये बटन्स क्यों काम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पे एक सिंबल रहता है चाइल्ड लॉक्स का, देखिए एलईडी ग्लो हो रहा है, या छोटे बच्चे का भी सिंबल बताया है। ये हर मशीनों में होता है, तो आपको सिर्फ ये दो बटन प्रेस करना है चाइल्ड लॉक के। यहाँ पे भी सिंबल देख सकते हैं, इसका मतलब ये बटन और ये बटन दोनों एक साथ में पकड़ के आपको कुछ सेकंड्स के लिए पकड़ना है, चले गया है। उसके बाद आपके पूरे बटन्स काम करेंगे इस तरह। तो हमेशा ये ध्यान में रहिए, चाइल्ड लॉक अगर रहेगा तो आपका कोई बटन काम नहीं करेगा। तो ये मशीन शुरू हो गया है, ऐसे मैं ऑफ कर देता हूँ। इसमें अगला प्रॉब्लम देखते हैं। तो कभी कभी क्या होता है, इसमें से अंदर जो बटन्स होते हैं ना, इस तरह के माइक्रो स्विच, ये कभी कभी ख़राब हो जाते हैं, या बटन ज़्यादा ऑपरेटिंग करने से बटन अंदर दब जाते हैं, तो आपका पीसीबी ऑन नहीं होता है। तो जिस तरह से मैंने ये मैन्युअली बटन दबा के रखा है, इसका मतलब कि ये बटन चिपक गया है, अंदर अटक गया है। तो आपका पावर बटन, कोई बटन आपका ऑन नहीं होगा। तो आपको फर्स्ट क्या देखना है, आपके मदरबोर्ड में सप्लाई आ रही है नहीं आ रही है, वो चेक करने के बाद आपको मदरबोर्ड खोलना है। और कोई बटन इस तरह का होता है ना, टूट तो नहीं गया, कहीं ऐसा अटक तो नहीं गया है, या कभी कभी ये डस्ट ज़्यादा होने से साइड से ये अटक जाते हैं बटन। तो कोई भी बटन अटकने से आपका ये काम नहीं करता है कुछ भी, जैसे देख सकते हैं इसको छोड़ दिया है बच्चे ने, पकड़ के रखिए, देखिए कुछ काम नहीं कर रहा है। तो आपको बटन को सही करना है, तो तभी आपका ऑन होगा, ये भी ऑप्शन है। एक बार बटन छोड़ने के लिए बोलता हूँ, तो मशीन चालू हो गया। तो कोई बटन स्टक होने से आपका पीसीबी ऑन नहीं होगा, तो ये भी एक कारण होता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही है। आपने देखा हमने किस तरह से एरर कोड्स का आपको बताया है, किस तरह से फॉल्ट फाइंडिंग बताया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो शेयर करिए, लाइक करिए, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। और जो नए हैं मेरे चैनल पे, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन का भी बटन दबाइए साथ में। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।